हेलो एवरीवन, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज राका पैरामीटर्स। अब राका पैरामीटर जो है, जैसे मैंने यहां पे बनाया है कि डिफरेंट टर्म्स के लिए देयर आर डिफरेंट राका पैरामीटर्स। टोटल नंबर ऑफ राका पैरामीटर्स आर थ्री, ए बी एंड सी। देयर आर थ्री राका पैरामीटर्स और ये तीनों ही क्या मेजर करते हैं? दे मेजर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। अब ये इन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से क्या होता है, इनकी डिफरेंट एनर्जी होती है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर स्पिन एंड द ऑर्बिटल दे ऑक्यूपाई। इन तीनों पे ही डिपेंड करते हैं ये वैल्यूज ए बी एंड सी। अब ए जो है वो देखो डी टू टर्म है या डी थ्री टर्म है, उसके लिए ए की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ए क्या मेजर करता है? ए मेजर द एवरेज टोटल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, डी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो ए मेजर करता है एवरेज टोटल डी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब डी इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रिपल्शन होगा उसका एवरेज तो कांस्टेंट रहेगा, तो जितने भी डी टू टर्म्स होंगी उन सब के लिए ए इज कांस्टेंट, मींस ए इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर डी कॉन्फिगुरेशन। देखो डी टू है तो ए ए ए ए ए, ओके। डी थ्री है, ये सारी वैल्यू नहीं लिखी है मैंने, बट सैंपल तौर पे ये टर्म्स लिखी है मैंने। तो इन सब टर्म्स में जो ये नंबर है थ्री ए थ्री ए थ्री ए थ्री ए, तो फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो ए की वैल्यू है दैट इज फिक्स्ड। अगर ए है तो सब में ए ही होगी, सब टर्म्स में, डी टू की सब टर्म्स में। अगर डी थ्री है तो डी थ्री की सब टर्म्स में जो ए की वैल्यू है दैट इज थ्री ए, मीन्स मल्टीपल इज सेम। तो इसलिए हम बहुत सारी जगह पे ए को निगलेक्ट कर देते हैं, और तनावे सुगानो डायग्राम में तो निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमें रिलेटिव एनर्जी चाहिए होती है, जैसे 3p और 3f, 4f 4p, इन दोनों का अगर एनर्जी डिफरेंस देखोगे आप तो दैट कम्स आउट टू बी 15b, ये भी 15b। तो a वाली टर्म कैंसिल ही हो जाती है, इसलिए ए जो है इज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। जब भी हम स्टडी करते हैं कॉम्प्लेक्सेस को तो हम ए को जनरली निगलेक्ट कर देते हैं और वी कैसे इग्नोर कर देते हैं। ये बी एंड सी दे मेजर इंडिविजुअल डी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो अलग अलग अरेंजमेंट होगी तो उसके लिए अलग अलग वैल्यूज आएंगी। देखो 3f टर्म है तो a माइनस 8b, 3p टर्म है तो a प्लस 7b, 1g टर्म है तो a प्लस 4b प्लस 2c, 1d टर्म है a माइनस 3b प्लस 2c, 1s है a प्लस 14b प्लस 7c। दैट मींस हर टर्म के लिए जो b का और c का वैल्यू है वो डिफरेंट आएगा, क्लियर? तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल d इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पे और उसकी वजह से जो रिपल्शन होगा, इसलिए बी और सी आर मोर इंपॉर्टेंट। पर जो ग्राउंड स्टेट है उसमें सी आ नहीं रहा है, सी कहां आ रहा है? एक्साइटेड स्टेट में, मींस जब एक्सेप्शनल केसेस में ही सी टर्म आ रही है, क्योंकि जनरली हम जब भी ड्रॉ करते हैं तो हम कौन से टर्म लेते हैं? ग्राउंड स्टेट और उसके सेम मल्टीप्लिसिटी वाली टर्म, ठीक है ना? तो 3f 3p में सिर्फ बी टर्म आ रही है, 4f 4p में b टर्म, इसलिए b जो है दैट इज मोर सिग्निफिकेंट देन c, और c की वैल्यू जो है दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू, मीन इट इज अ रफ एस्टिमेट दैट c इज वेरी क्लोज टू 4b। दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट राका पैरामीटर्स। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।